दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस एम्पलीफायर के बारे में जिसका नाम है ड्यूल सेट। तो चलिए इसके फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आपको दोस्तों आपको फ्रंट में एक बिग एलईडी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी जो काफ़ी कमाल की डिस्प्ले है। इसमें मोड की बात करें तो इसमें आपको ब्लूटूथ मोड, FM मोड, ऑक्स केबल, USB केबल, TF कार्ड और USB कार्ड वगैरह जो सारे एम्पलीफायर में ऑप्शन आते हैं वही सारे सिस्टम इसमें भी दिए गए हैं। और इसके साथ आपको एक रिमोट देखने को मिलेगा यानी कि रिमोट कंट्रोल जो कि आजकल हर किसी एम्पलीफायर के साथ आ रहे हैं। इसमें आपको 4 बटन देखने को मिलेंगे, 2 लेफ्ट में, 2 राइट में, यानी कि एक लेफ्ट साइड को कंट्रोल करने के लिए, एक राइट साइड को कंट्रोल करने के लिए वॉल्यूम के बटन दिए गए हैं। एक तरफ बेस का बटन दिया गया है, एक तरफ ट्रेवल साउंड का बटन दिया गया है। बाद यहाँ पे आप एक एक्सटर्नल माइक भी लगा सकते हो यानी कि जो माइक होता है पकड़ने वाला, माइक का भी ऑप्शन दिया गया है। एक्सटर्नल माइक आप लगा सकते हो यानी कि थोड़ा मोटा छोटा मोटा जो भी घर में प्रोग्राम होता है वो भी आप कर सकते हो इस एम्पलीफायर की मदद से। बाकी इसमें कुछ बटन दिए गए हैं जो कि गाने को आगे पीछे मोड वगैरह चेंज करने के लिए, जो कि आपको पता होगा LED डिस्प्ले के ठीक नीचे ही आपको बटन देखने को मिल जाएंगे। चलिए आप बैक साइड पे पहुंचते हैं। तो बैक साइड में इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर दिया गया है उसके बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले बता देता हूं इसमें आपको 4 चैनल मिलते हैं स्पीकर लगाने के लिए, यानी कि आप 4 स्पीकर लगा सकते हो। लेकिन आपको पता है ये जो एम्पलीफायर होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 8 इंची और 10 इंची के स्पीकर का ही लोड ले पाते हैं। तो मेरी राय मानो तो आप 2 स्पीकर बॉक्स ही बजाना, 8 से 10 इंची के बीच में आप 2 बॉक्स इससे आसानी से बजा सकते हो और वो अच्छा साउंड क्वालिटी आपको देंगे। उसके बाद जो इसमें एक्सटर्नल फीचर है जो मुझे काफी अच्छा लगा कमाल का, वो है इसमें 12 वाट DC, यानी कि आप इसको बैटरी से भी चला सकते हो। यानी कि जो 12 वाट की बैटरी आती है जो टेम्पू वगैरह में या छोटी मोटी गाड़ी वगैरह में बैटरी लगी होती है या जो घरेलू उपाय के लिए भी काफी सारे लोग खरीद लेते हैं बैटरी जो कि 12 प्लेट वगैरह कहते हैं हम उसको, तो उस बैटरी से भी आप इस एम्पलीफायर को बजा सकते हो। उसके साथ साथ बगल में आपको DVD, ऑक्स केबल इस प्रकार के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो पीछे इसका बस यही कमाल करता है। हाँ, एक इसमें डाउट है मेरे को कि ये ट्रांजिस्टर है या फिर MOSFET है या फिर IC है। इन तीनों में से अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये कौन सा वाला है, क्योंकि जब आप पीछे देखोगे तो बैक साइड में ना ही MOSFET दिखाई देगा और ना ही आपको ट्रांजिस्टर दिखाई देंगे। तो मेरे ख्याल से ये एक IC एम्पलीफायर है मेरे ख्याल से, बाकी कोई भी कंफर्म नहीं है ये कैसा भी एम्पलीफायर हो सकता है। दोस्तों बस इस वीडियो में इसी एम्पलीफायर के बारे में कंप्लीट ज्ञान देना था। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर देना। और दोस्तों अब अपने चैनल पर एम्पलीफायर या DJ स्पीकर बॉक्स से रिलेटेड काफी सारी वीडियो हो गई हैं और अब धीरे धीरे उन पर व्यू आना भी कम होते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अब मेरे को टॉपिक चेंज कर लेना चाहिए यानी कि नए नए प्रोडक्ट्स लाने चाहिए जिसका रिव्यू करना चाहिए और अनबॉक्सिंग करना चाहिए। अपना ओपिनियन आप कमेंट में जरूर देना और मैं और भी कोई प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग या रिव्यू किया करूं तो आप वो वीडियो को भी जरूर वॉच किया करना। तो चलते हैं तब तक के लिए।